Assalamualaikum and welcome to Bean Vlogs. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपको लेके जा रही हूँ कनाडा की सब्ज़ी मंडी. हाँ जी, तो कनाडा की सब्ज़ी मंडी, लेट्स एंटर इन. और सब्ज़ी मंडी यहाँ पे मुझे बहुत से लोग कहते हैं, पाकिस्तान से जब कॉल आती है तो वो कहते हैं यहाँ पे कनाडा में ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, बैंगन मिल जाते हैं, प्याज मिल जाते हैं, या बहुत सी चीज़ें इस तरह से पूछते हैं. तो अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ, देखें सब कुछ मिलता है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मिलता है. ये देखें हरी मिर्च का साइज़, और हरी मिर्च की ही आपको इतनी क्वालिटीज़ मिल जाएंगी, हैलपीनो, छोटी वाली, मतलब रेड कलर की, हर तरह की चीज़ मिलती है यहाँ पे. मैं भी जब आई थी तो मुझे लगता था यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, यू नो, इस तरह का बाहर का मुल्क है, कैसे मिलेगा, सब्ज़ियाँ कैसी होती होंगी. लेकिन ये देखें हर तरह की चीज़ आपको मिलती है और इतने खूबसूरत मिलती हैं और इतने ज़्यादा साइज़ में अवेलेबल और इतनी वैरायटी में होती हैं अवेलेबल कि यू नेम इट एंड यू गेट इट. और देखें क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है. यहाँ की सब्ज़ी मंडियाँ भरी हुई हैं. ये एक सब्ज़ी मंडी है और मेरे घर के करीब ही है, नाम भी इसका सब्ज़ी मंडी है. सब्ज़ियों के अलावा और चीज़ें भी हैं. खैर, मैंने थोड़ी सी मूली ली क्योंकि मैं मूली के पराठे बनाऊँगी, जब बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी. भिंडी पकड़ी थोड़ी सी, आज भिंडी बनाने का मूड है. और ये गोभी पकड़ ली और थोड़ी सी चीज़ें पकड़ूंगी और बस फिर यहाँ से निकलूँगी. घर जाके आपको करारी सी धुआंदार भिंडी, मज़े की स्पाइसी करारी क्रिस्पी, और साथ रोटी बना के दिखाऊँगी. ये देखें जी रूह अफ़ज़ा, रमज़ान आने वाला है. और ये देखें हमारे प्यारे प्यारे गोलगप्पे, जब आपको क्रेविंग हो पाकिस्तान के गोलगप्पों की तो आप ये भी ले सकते हैं. अच्छा, ये काफ़ी लोग पूछते हैं आटे के बारे में, तो ये शरबती आटा यहाँ मिलता है, विच इज़ रियली वेरी गुड. शरबती आटा मैंने पाकिस्तान में नहीं सुना था लेकिन यहाँ पर सुना है. और ये वाले छोटे समोसे, ये बहुत अच्छे होते हैं, इनका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है. छोटे छोटे साइज़ में होता है लेकिन बहुत अमेजिंग. पराठास के लिए मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, बताऊँगी कि कैसा है ये, लेकिन मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. डॉन का होल व्हीट पराठास जी. यहाँ पे बर्तनों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और मेरा तवा बहुत ख़राब हो चुका है, तो मैंने सोचा कि एक नया तवा लेती हूँ. चले आप भी देख लें कि यहाँ पर तवास किस तरह के पड़े हुए और कौन सा बेहतर रहता है. तो मेरे हिसाब से ये वाला काफ़ी बेहतर है. मैं इसको खोल के भी आपको दिखाऊंगी और इस पर रोटी बना के भी दिखाऊंगी. और बाकी देखें बर्तनों की हर तरह की वैरायटी, और एक बहुत बड़े साइज़ की यहाँ पे कढ़ाई भी पड़ी हुई है, ये वाली, ये देखें बिग साइज़ कढ़ाई. कोई दावत का मूड हो तो गेट दिस वन, बहुत अच्छा मटीरियल है इसका. और बस ये यहाँ पर मैं चेकआउट करने लगी हूँ. चेकआउट करने के बाद घर जाऊँगी और करारी भिंडी और मज़े की देसी घी वाली रोटी आपको बना के दिखाऊंगी. चलें जी, और मेरे साथ मेरे घर चलें. हाँ जी, तो घर आ गई, बस सब्जियां निकाली हैं और रूह अफ़ज़ा को सामने रख दिया है क्योंकि बड़ा ही प्यारा लगता है रूह अफ़ज़ा. रूह अफ़ज़ा से पाकिस्तान की याद आती है. चलें, भिंडी मैंने निकाल ली और इसको मैंने जल्दी से वॉश किया, वॉश वॉश वॉश. और अब मैंने प्याज काटे हैं, जल्दी से आपको बताऊंगी ताकि एक क्विक रेसिपी शेयर करूंगी. जल्दी से हमने प्याज काट लिए, देगची में ऑयल डाला, जैसे ऑयल गर्म हुआ हमने प्याज इसके अंदर डाले और इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा मैंने, नॉट हल्की आंच, मीडियम सी फ्लेम पे बस रख दिया. जितनी देर में ये प्याज होगा, मैंने भिंडी जल्दी से इसको काट ली. धोने के बाद भिंडी जल्दी से कट हुई और
प्याज हमारा उसी तरह चूल्हे के ऊपर पड़ा है, इसको जो भी आपको अच्छा साइज लगता है उसमें आप कट कर लें। अब बस मैंने जल्दी जल्दी इसको कट किया है एक नॉर्मल से साइज़ में, बहुत छोटी भी नहीं और बहुत मोटी वाली भी नहीं, बस एक मीडियम सा साइज़। इसको अच्छे से साइज़ में कट किया एंड एक साइड पे प्याज हो रहा है और दूसरी साइड पे ये मेरी जो भिंडी है ये देखे मैंने डाली, और ये मुझे एक दो बीच में नज़र आई हैं जो ऐसे ही चली गई हैं, तो मैं इनको भी कट कर देती हूँ। बस एक तरफ तेज़ आग पे ये फ्राई हो रही है और दूसरी साइड पे मैंने प्याज को कर लिया। जी प्याज होने के बाद हरी मिर्चें और टमाटर डाले और फिर तीन बेसिक मसाले, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, ये तीनों मैंने ऐड किए और बस इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। टमाटरों को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे कि वो अच्छे से ज़रा मिक्स हो जाए। जी जैसे ही टमाटर थोड़े से ब्लेंड हुए, ऑयल थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हुआ, तो मैंने इसमें भिंडी जो फ्राई हो गई हुई थी उसको मैंने ऐड किया और बस इनको मिक्स किया। और अब मैं इस पर थोड़ा सा एंड पे लेमन स्क्वीज़ करने लगी हूँ, ये लेमन स्क्वीज़ हुआ है। लेमन स्क्वीज़ करने से थोड़ा इन्हांस होता है फ्लेवर और थोड़ा चटपटी हो जाती है। मैंने इसमें मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा रखी हैं और नमक भी स्लाइटली ज़्यादा है, थोड़ी चटपटी और क्रिस्पी है। क्रिस्प भी मैंने भिंडी को थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई किया तेज़ आग पे जी। और ये स्मॉल पोटैटोज़ हैं जिनमें मैंने सिर्फ सॉल्ट और पेपरिका डाला है, और मेरे पास थोड़ा सा चिकन मैरिनेटेड था सॉल्ट एंड पेपर के साथ ही, और साथ हैलोपिनोस डाल के मैंने इनको एयर फ्रायर में साथ रख दिया कि जितनी देर में भिंडी होगी एयर फ्रायर में वो पोटैटोज़ और हैलोपिनो और थोड़ा सा चिकन है वो भी हो जाएगा साथ ही, तो थोड़ा भिंडी के साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी। अच्छा अब हम नए तवे के ऊपर रोटी बनाएंगे। मैं बनाने लगी हूँ रोटी, ये आप देखें मज़े मज़े की घर की रोटी, और इसके ऊपर देसी घी भी लगाऊंगी। और ये हमारा तवा, इसका बिल्कुल गर्म हो गया है, रोटी इसके ऊपर चली गई, और अब आप इंजॉय करें इस रोटी बनाने के सीन को। थोड़ी सी रोटी डायरेक्ट आग पे इस तरह से सेक लें, अच्छा रहता है, ज़रा फूल जाती है, ज़रा अच्छी सी उसकी लुक हो जाती है। ये देखें ये रोटी हो गई, और इस पे देसी घी भी लगाते हैं। हेयर इट गोस फॉर देसी घी, ये भी देसी घी मैं वहीं से लाई थी सब्ज़ी मंडी से, और भिंडी के साथ देसी घी अच्छा लगता है। चलें जी, ये 18 मिनट पे मैंने लगाया था, ये आलू भी हो गए हैं विद चिकन एंड हैलापीनो, इनको निकाल लेते हैं। और ये देखें इसकी लुक। अब मैं एक प्लेटर बनाती हूँ जिसमें थोड़ी सी गई ये करारी भिंडी, क्रिस्पी करारी भिंडी, और फिर साथ थोड़े से डालूँगी मैं पोटैटोस। ये देखें साथ हमने रोटी रखी, खीरे रखे, और बहुत यमी यमी खाना दोपहर को तो बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, छोटी सी वीडियो थी लेकिन बस मेरा दिल किया कि भिंडी बनाने का आपके साथ शेयर करूं। और ये करारी सी भिंडी आप भी खाइएगा, बेसिक है लेकिन बेसिक इज़ ऑलवेज गुड। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और दोबारा मिलूँगी। Until the next vlog, I'll see you very, very soon.
टेक गुड केयर ऑफ योर लव्ड वंस एंड योरसेल्फ, और अपना बहुत ख्याल रखें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।